योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरा कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। पहले जब सीएम बनते थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उन्होंने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हृदय से धन्यवाद दिया है। आइए जानते हैं कि योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर जनता की क्या राय है। उत्तर प्रदेश के 4.5 साल या बेमिसाल। आज हम बाराबंकी के धनोखर चौराहे पे मौजूद हैं। हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में मिला है, क्या कुछ लोगों को, जनता को सौगात मिली है, क्या कुछ रहा है। इसी बीच हम धनोखर चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है उनको, क्या बेरोज़गारी से और कुछ अन्य प्रदेश को क्या कुछ सौगात मिली है। भाई, क्या नाम है आपका? सिकंदर भैया। ये बताइए, योगी सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कुछ जनता को सौगात मिली है इसकी? जनता का कुछ सौगात नहीं मिली है, सिर्फ योगी सरकार ने लूटा है। सुबह से हम लोग यहाँ मजदूरी बैठे हैं भैया, अभी तक ही रोज़गार नहीं समझ लो। पर आप चले जाओ गांव में, पूरा पानी पानी भरा हुआ है। आज तीन दिन बारिश हुई, पूरा धान हम लोगों का खराब है हुआ। हम लोगों का रोज़गार पाले के लिए बच्चे का खाना कैसे खिलावन, बच्चों का पेट कैसे भरन, बीबी का पेट कैसे भरन, अपना पेट कैसे भरन, यूँ सोचना पड़ा था। रोज़ सुबह कुआँ खोदन तब पानी मिलता है। आज सुबह से न कहीं काम धंधा नहीं मिला, 4-4, 5-5 दिन हो जाते काम धंधा नहीं। योगी सरकार पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी है। इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार रहा है, जो करत तो रहा है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए। 4.5 साल में क्या कुछ विकास हुआ? अभी तो कोरोना काल 2 साल या 1.5 साल है, उससे पहले की अगर बात करें तो क्या कुछ विकास किया है? बिजली बहुत ही बढ़िया आ रही है, लाइट की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, बिजली की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, महंगाई पेट्रोल में है, डीजल में है, रसोई गैस में महंगाई आई है, लेकिन डेवलपमेंट भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। राशन किसी अपने पैसे से, अपने बजट से नहीं बांट रही है। ये चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको भी इस चीज़ की जानकारी होगी कि सरकार को कितना सा फंड मिला है। जो पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े अंबानी है, कैसे सब लोगों को फंड जो दिया, विदेशों से जो फंड आया, वो अपनी जेब में रखेंगे? वो तो सरकार नहीं, सरकार को बांटना ही पड़ेगा। सरकार बनती किस लिए है? 1000 रुपये गाड़ी का चालान है, दिन में कितनी गाड़ियों का पूरे हिंदुस्तान में चालान होता होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार ये योगी जी मुझसे बता दें, क्या कुछ रोजगार और क्या कुछ दिया है इस प्रदेश को? हमारे यहाँ हमारे 3 बच्चे हैं जबकि बेरोजगार हैं, कुछ भी काम उनके पास नहीं है। और हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे मकान बने हैं जिनके पास पहले से बना हुआ था, उनको पैसा मिल गया और उनका 2.5 लाख में बन गया। और लेकिन हम लोग जो जरूरतमंद है, हमारा मकान अभी तक नहीं बन पाया। जब भी जाते हैं वहाँ देते हैं तो बिल्कुल वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, जब जाते हैं तो ये होता कि नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या वजह क्या रहती है? अभी जब होगा तब आइएगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम रोज जा सकें। बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे घर में। सरकार ने बहुत कुछ किया है, राशन मिला आपको? राशन कार्ड पहले ही से बंद कर दिया, जब से करीब 2 साल हो गए हमारा राशन कार्ड बंद है। हमारे साथ बाराबंकी की जनता, जिन्होंने अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने उन्होंने बताया कि किसी ने पक्ष में बात रखी, किसी ने योगी के पक्ष में बात रखी। कुल मिला के देखना ये होगा कि 2022 में जनता किसको चुनेगी और किसको दोबारा अपना मुखिया चुनती है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। और इसी खबर के साथ महायूपी में इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए।